कहने गुड मॉर्निंग और बाकी सब छोड़ के पहले ये चीज देखो। अरे मस्त है दैट आज का जो वेदर और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है इट्स अमेजिंग। एंड विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट अ वीडियो, आई होप यू विल एंजॉय इट। डन विद द फर्स्ट बैच ऑफ आवर क्रॉसफिट और अब हम यह चीज पेलन लाग रहे हैं साहब। अरे ना अभी मैं सुना तो कुछ राम राम सही भाई है ना। अरे भाई फाइनली डन विद क्रॉसफिट एंड मैंने आज वर्कआउट नहीं किया बिकॉज ऐसे यार मन नहीं हो रहा था एंड मील वील भी नहीं रही सुबह से तो एम्प्टी स्टमक अगर वर्कआउट करता और मसल लॉस के चांसेस थे इसलिए अब हम आएंगे इवनिंग में एंड अभी आई क्विकली गो होम एंड प्रिपेयर अ मील फॉर माई सेल्फ। चलो सो हमने जिम से आते आते ये भी ले लिया सामान, दो क्रेड एग और बनाना, तो अब हमारी डाइट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस हमें डाइट लेना है अब। चलो सो दिस इज माई फर्स्ट मील, 100 ग्राम ओट्स प्लस 3 होल एग का ऑमलेट, उसके साथ 3 ब्राउन ब्रेड। आई एम नॉट एडिंग प्रोटीन इन दिस मील बिकॉज एक बार मैं प्रोटीन दिन के बीच में ले लूँगा एंड एक बार लूँगा पोस्ट वर्कआउट मील में आफ्टर माई जिम वर्कआउट। ठीक है ठीक है भाई साहब, गुड इवनिंग सबको। और लेट हो गया था, नींद लग गई थी जिम से सीधा आने के बाद। सो उठना यार, मतलब कभी कभी रहता है, डेली उठने वाले था नहीं, कभी कभी उठते तो पर बीच में नींद आ जाती है, सो जाते हैं, सो गए थे। एंड अभी के बाद जिम जाना है तो अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, और उससे पहले टाइम नहीं है तो लेट मी टेल यू समथिंग व्हाट यू कैन डू टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है
remember. Oh, they'll remember. सारी वेरिएशन हो चुके हैं, वी डिड अबाउट 5 to 6 वेरिएशन एंड दैट इज एनफ फॉर अ वर्कआउट. सो पुशअप करते हैं टिल द फेलियर. After doing double bar dips, we finally hit our failure, जो कि पहले सेट में आए 10, फिर आए 8, फिर आए 5 रेप. सो वो एक फेलियर की तरह काउंट कर सकते हैं हम. हैंड पुशअप तो कुछ हो ही नहीं रहा था, वी डिड अबाउट 100 पुशअप एंड उससे फेलियर वाले बिल्कुल नहीं हुआ. सर फेलियर हिट ना होना तो वर्कआउट एंड करने में मज़ा नहीं आता. अच्छा, सो एज अ पोस्ट वर्कआउट मील हम यहाँ आए हैं बिरयानी खाने एंड पैक करवाए घर ले जाएंगे, यहाँ नहीं खाएंगे, नहीं ज़्यादा लेट हो जाएगा, घर भी जाना है. और एक और बात, पोस्ट वर्कआउट मील में ना नॉनवेज खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा. पता नहीं भाई कौन सी पूजा हुई थी यहाँ पर, इसलिए सजा हुआ है झूला मूला. पता नहीं क्या क्या होता था, हमें कुछ खबर ही नहीं मिलती हमारी कॉलोनी में. यानी एंड यहाँ पर पूजा हुई थी, लेकिन लेकिन पहले हम बिरयानी नहीं खा रहे थे यहाँ पर, हमने बोला अब तो पूजा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसलिए खाने लगे. इब सब होने के बाद खाना पीना सब हो गया है, अब फोटो सेशन चालन लग रहा पापा और मम्मी का वही झूले पे. ठीक, आप साइड आ जाओ.
फाइनली सारे काम हो गए हैं, मम्मी पापा का फोटो सेशन भी कर दिया, सिम्बा को भी घुमा के ले आए, और खाना पीना तो पहले ही हो गया था। अब इसे झूला और रात का मजा लेने लग रहे हैं। फाइनली लेट्स एंड द ब्लॉग एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। विद दिस नोट, सभी लोग अपना ध्यान रखना और सब ने शुभ रात्रि। राम राम जी।